ESL की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTD न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी भाइयों को नमस्कार, मैं विकास त्रिपाठी अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी चुनाव निशान हेडफोन। आज हम लोगों ने जो लगभग 3-3.5 सालों से जो संघर्ष किया था, पल्स को लेकर शुरुआत हुई हमारी, उस संघर्ष के कारण आज हमारा ऑनलाइन आवेदन जो सरकार ने चालू किया, जिसकी डेट तारीख 30 अप्रैल है और हमारे अकबरपुर क्षेत्र में वोटिंग की तारीख 29 अप्रैल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे को वोट करें और अगले दिन जो 30 अप्रैल अंतिम तारीख आवेदन की है, मैं पूरे सभी अपने पीड़ित साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 महीने के लिए आवेदन की डेट भी बढ़वाएंगे और ऑफलाइन के लिए भी संघर्ष हम करेंगे। 30 अप्रैल को लखनऊ 9 बजे हम पहुंचेंगे कि डेट ये बंद ना हो और आगे भी डेट चालू रहे। साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे, लड़े हैं, लड़ेंगे, दबे नहीं है ना दबेंगे। पर आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है, अनुरोध है, जो भी अकबरपुर लोकसभा के पीड़ित साथी हैं, 29 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी शक्ति को, अपनी संख्या बल को दिखाने के लिए मत का अधिकार प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आज हम लोगों की मुट्ठी बंद थी, आज ये खुल गई है। आज वक्त है संख्या बल दिखाने का। अगर आज भी हम लोग घरों में बैठे रहे तो आने वाले वक्त में ये सरकार, ये विपक्ष हम लोगों पर हंसेगा। इसलिए मैं सभी से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि मत का उपयोग जरूर करें और हेडफोन वाले खाने को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि आपका ये पीड़ित भाई आपकी आवाज को संसद में पहुंचा सके। क्योंकि संघर्ष 4 सालों से हम लोगों ने दिन रात एक करके किया है, पर आज ये जो नेता फिर रहे हैं केवल अपना 2 रुपए कमाने और 2 रुपए पैदा करने के लिए। मैंने एक संकल्प लिया है और एक शपथ पत्र दिया है कि जब तक हमारे पीड़ित भाई का 1-1 रुपए नहीं मिल जाता, मैं कोई भी सरकारी सुविधाएं और कोई भी सांसद की सैलरी मैं नहीं लूंगा, अपने उस पीड़ित भाई को देता रहूंगा जो हमारा वाकई में ज्यादा पीड़ित है। तो मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि इस विकास त्रिपाठी पीड़ित भाई को, आपके बेटे को, 29 तारीख को हेडफोन पर मोहर लगाकर संसद पहुंचाइए और 3 महीने में या तो प्रॉपर्टियों पर कब्जा मैं कराऊंगा या तो भुगतान कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विकास त्रिपाठी, अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी। गोल्डन फॉरेस्ट जो 1999 और 2000 में बंद हुई थी, 19 साल पहले, वो 19 साल बाद उन्होंने पेमेंट की आवेदन खोले थे और पेमेंट कर दिए, पर जो साइट उनकी थी वो बहुत बढ़िया साइट थी सुंदर जिला, क्योंकि मैं घर में कभी नहीं बैठता हूँ, ये विश्वास बनाइए। कार्बी का पोर्टल, कार्बी कोई साइट है ना, वो उन्होंने बताया था, ये बात हमने जब वहाँ पे रखी तो कोई जवाब नहीं। अब एक आम आदमी जैसे वो जवाब नहीं दे पा रही है, क्या आपको लगता है एक सांसद जब उनके यहाँ जाएगा, बाकायदा उन्होंने पास बनाया, सब कुछ किया, जज्बारी तलाशी ली, तब कहीं जाके बांद्रा कुर्ला उनके हेड ऑफिस के अंदर हम लोग घुस गए, जैसे लग रहे थे आतंकवादी देश में घुस गया। बात समझिए, लिखा हुआ था जनता के हित में, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, हमने कहा साला ये तो बहुत बड़ा बात इन्होंने लिख दी, आज जनता का तो भलाई नहीं है, क्या कर रहे हैं ये, तो इन्होंने जनता को डुबा दिया, भला कर रहे हैं ये, भला कर दिया है जनता के। तो मैंने बोल भी दिया था, हमने कहा ये तो आप गलत लिखो, इसमें लिखना चाहिए भला, जनता के भला करने हेतु भारतीय
प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो जूनियर जो था वो हंसने भी लगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो आम आदमी की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगी और ना आर्यम लोढ़ा साहब सुनेंगे जब तक आपके पास हथियार नहीं होगा। ये पूरा निचोड़ हमने इधर 2 महीने से समझा और समझने के बाद में ये जब निर्णय हुआ कि कोई यहाँ से नहीं खड़ा हो रहा है, उस दिन विश्राम जी ने हमारा नाम खोल दिया। नहीं तो ये हुआ कि भाई ठीक है, जब कोई नहीं हो रहा है तो फिर हम भी जैसे लड़ाई चल रही है चलते रहेंगे। आज के समय पे भी यहाँ पे मीटिंग भी ना करते, घर में बैठते। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 महीनों में जो हमारी 23 मई तक हम लोग जिंदा बने रहे, उस पर चर्चा पेपर पे नाम, क्योंकि अब कल से हमारा प्रचार प्रसार बढ़ेगा, ठीक है। पेपर में भी हम लोग आप लोगों के सहयोग से जो धनराशि आएगी वो वहाँ पे दी जाएगी ईपीएसएल पीड़ितों के द्वारा। ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं नाम हमारा जिंदा बना रहेगा। एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये चुनाव विकास की पार्टी का परिवार पर्सनल नहीं लड़ रहा है, ये पीड़ित परिवार चुनाव लड़ रहा है और पल्स का लोगो जो लगा हुआ है वो चुनाव लड़ रहा है। ये दिमाग में सभी लोग बसा दो, क्योंकि जनता और इन नेताओं के दिमाग में ये उनके अंदर घुस गया है। हमारा नाम नहीं लिया जाता है, हमको बुलाया जाता है भैया पल्स वाले, भैया पल्स वाले, बात समझ लीजिए। तो ये दिन रात हम एक कर देंगे। पहला हमारा बिंदु रहेगा, दूसरा बिंदु रहेगा 3 महीने में हर निवेशक का पेमेंट होगा जो भारत की रजिस्टर्ड कंपनियां है, ये रहेगा। तीसरा ये रहेगा कि अगर 3 महीने में हम पेमेंट नहीं करा पाते हैं, जहां ताले लगे हैं वहां ताले खुलवा कर कब्जे दिलवाएंगे, या जमीन जो पड़ी हुई है खेती वाली वहां पे जमीन, क्योंकि हम लीगल काम करेंगे ना। यहाँ तो जो कब्जा किए हुए हैं लीगल करे हुए हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, अन्यथा लोग कब्जा किए हुए हैं। ज्ञान सागर हॉस्पिटल जो बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज है, 20,000 करोड़ का है, जमा कर 20,000 करोड़ का। आज भाजपा के वहां पे सलेरिया जो है वो कब्जा किए हुए है। 2 मिनट में भर्ती कागज होते हैं जिसको आपको हम नहीं पढ़ पाएंगे ना समझ पाएंगे, क्योंकि उतना ज्ञान नहीं है हम लोगों के पास। और 20,000 करोड़ की अगर वो सेल हो जाती है तो पूरे यूपी का पेमेंट हो जाएगा, जो भाई साहब इतना हो जाएगा। जो एक्टिव में रही है तो और लोग तो घर में बैठे हुए, मैंने उनको मतलब ही नहीं है, तो उनको पेमेंट जो एक्टिव है उनका पैसा उसी 20,000 करोड़ से निपट जाएगा। भाई लोहे को लोहाई काट पाएगा, क्योंकि चक्कर अगर लेनी है तो कुछ लेवल तक बनाना पड़ेगा, बनना पड़े। जमीन ऐसी है, बिल्डिंगें ऐसी हैं, उसमें मोटा आज भी किराया आ रहा है, जो हमारे मालिक साहब को भी जा रही है उसका पैसा, उसका शेयर भी जा रहा है। क्योंकि उठिए, क्यों उठिए भाई, पैसा हमारा है, पैसा आपका है, उसका लाभ आपको मिलना चाहिए ना, क्यों उन्हीं के परिवार को मिलना चाहिए। आज पंजाब में बिटिया से लेकर दामाद और उनकी पत्नी तक मुकदमे क्यों लिखाए गए, केवल इसीलिए लिखाए गए कि आपके नाम ये जमीन क्यों है। जमीन कंपनी के नाम होना चाहिए, जमीन हमारे और आपके नाम होना चाहिए। और हमारे बॉन्ड में लिखा हुआ है 200 बरगद लिखा हुआ है, तो हम लोग लीगल है कि वो लोग लीगल है, वो लोग कब्जा किए हैं वो लीगल है कि हम लोग जो जमीनों पे कब्जा करेंगे वो लीगल है। तक हम अपने पीड़ित भाइयों की लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी सुविधाएं नहीं देंगे। और जो सांसद की सैलरी आती हो, हमें तो अभी नहीं मालूम है कितनी आती है, जो भी सैलरी आती है और अपने बीच के परिवार का उसमें चुनाव किया जाएगा, इस व्यक्ति को ज्यादा परेशानी है उसको मिल जाएगी। तो टेंशन ना लो, जब तक ये लड़ाई है तब तक हमें वहां का 1 पैसे का लाभ नहीं लेना है। ये कल 10 रुपए के नौकरी करवा के आप सारे लोगों के, क्योंकि बहुत लोगों के पेट में है गड़बड़, तो संशय हटाइए और नाम अपना संसद के अंदर भेजिए पल्स का। जब पल्स का नाम अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ वहां से दवा पानी मिलेगी, ये पक्का है, ये पक्का है।
क्योंकि एक सांसद से अटल बिहारी की सरकार गिरी थी, अगर याद हो सब लोगों को, 1997 में उस समय पूरा संसद हंस रहा था, पर इन नेताओं को उस व्यक्ति की बात याद नहीं है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि उन्होंने ये बोला था कि अगर आज आप लोग हंस रहे हो तो कल आपके ऊपर पूरा भारत हंसेगा।